राशिद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय झंडा यानी कि तिरंगे को अपने सीने से लगाकर जो कुछ भी किया उसकी गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है। लेकिन आपको बता दे, राशिद खान की हरकत पर अफ्रीका दिग्गजों का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो चलिए बताते हैं क्या बोले अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी। लेकिन अगर आप भी राशिद खान की इस महानता से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला काफी ज्यादा शानदार रहा। पाकिस्तान की टीम ने 286 रन बनाए और उसके जवाब में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इतनी धमाकेदार रही कि 2 विकेट खोकर उन्होंने अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। राशिद खान की हरकत को देखने के बाद अब डी विलियर्स ने कहा, वास्तव में राशिद खान ने दिल जीत लिया यह करके क्योंकि भारत हमेशा से ही हर देश के खिलाड़ियों से काफी ज्यादा अच्छा सलूक करता है। जितनी तारीफ की जाए राशिद खान की कम होगी। उन्होंने तिरंगे को अपने सीने से लगाकर विश्व में सभी को दिल जीतने पर मजबूर कर दिया। ऐसे खिलाड़ी को मैं सलाम करता हूं जो अपने देश के अलावा दूसरे देश के लोगों को भी उतना ही सम्मान दे। वास्तव में यह किसी मिसाल से काम नहीं है। डू प्लेसिस ने कहा, भारत एक अच्छा देश है। उन्होंने कहा कि वहाँ के खिलाड़ी और लोग काफी ज्यादा मान सम्मान करते हैं दूसरे खिलाड़ियों का और हमें काफी ज्यादा प्यार मिलता है। आईपीएल के दौरान राशिद ने अगर भारत के झंडे को उठाकर सीने से लगाया तो मैं मानता हूं यह बेहद अच्छा काम किया है। उन्होंने इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। उन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया, तिरंगे का सम्मान हम भी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि हाशिम अमला ने कहा कि तिरंगे के साथ राशिद खान ने जो किया वह नहीं करना चाहिए था क्योंकि तिरंगा एक दूसरे देश का झंडा है और बावजूद उसके तुमने अपने देश को प्राथमिकता ना देते हुए तिरंगे को प्राथमिकता दी। इससे पता चलता है कि आप अपने देश के प्रति इतने वफादार नहीं हैं जीतने की आप दिखते हैं। यह अपने आप में गलत है। इस चीज पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से अफ्रीका के खिलाड़ियों ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या राशिद खान ने ठीक भी किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।